पहले तो ये बताओ सिसोदिया जी, पंडित सौरभ भारद्वाज जी, चमची आतिशी, आप कह रहे हो सीएम है वो? अरे सुन तो लो, सीएम तो जैसी है वो दिल्ली ने देख ही लिया। इन्हीं से शुरू करता हूँ मैं आपका। रोज लंच टाइम में जब मेरा ब्रेक होता है तो मैं बड़े सीरियस होकर आपका पूरा शो देखता हूँ। इन्होंने आज क्या नाटक किया नया, सवेरे सवेरे 6-7 बजे उठ के सड़कों पे आ गए। सौरभ भारद्वाज पंडित आ गया, गंजा सिसोदिया आ गया, नशा मंत्री जिसने लोगों के सुहाग उजाड़ दिए, जिसने माओं के बेटा जिसने बूढ़ी माताओं के बेटों की किडनियाँ और लीवर ख़राब कर दिए, घोटाले तो किए ही हैं। पहले तो सिसोदिया जी आप ये बताओ, आप भगवान के लिए ये कहना बंद कर दो कि जी हम निर्दोष थे, हमें CBI, ED और भाजपा ने डाल दिया। फूल और पत्थर देखी थी गंजे धर्मपाल जी की? फूल और पत्थर देखी थी मीना कुमारी के साथ? शायद दूसरी फिल्म थी धर्मपाल जी के, वो मेरे बड़े भाई भी लगते हैं और मैं उनका बहुत करीबी हूँ, समझ गया? आज 86 साल की उनकी उम्र है, आई समझ में? वहाँ जो गुंडा होता है 10 नंबरी, जो चोर होता है, उसकी थाने में हाजिरी लगती है, तो तेरी भी हाजिरी लगी है। ये BJP ने नहीं लगवाई, आई समझ में? ये LG ने नहीं लगवाई, ये तेरे कर्मों ने लगाई है, जो तुमने डंक मारे हैं 100 करोड़ के, यूं 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 यूं, आई समझ में? शर्म नहीं आती तुम्हें ऊट पटांग बोलते हुए? क्या हाल किया हुआ तुमने दिल्ली का? ऐसा है झूठ के कोई पैर नहीं होते, तुम्हारे मुंह से ही निकल गया ना कि केजरीवाल जी जेल में थे इसलिए काम नहीं हुआ। अबे नौटंकी, अबे चोरों की मंडली वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कल केजरीवाल मर जाएगा तो काम नहीं होगा? तुम किस बात की सैलरी ले रहे हो? तुम्हारी बल्टन चोर मंडली किस चीज की सैलरी ले रही है? अगर केजरीवाल नहीं सब कुछ काम करना है, ठीक है, तुम उसके घरेलू कर्मचारी हो, नौकर हो तुम उसके, मुंडू हो उसके, वो बाप होगा तुम्हारा, बॉस होगा तुम्हारा, वो हमारे टुकड़ों में पल रहा है, हमारे टैक्स पेयर पैसे में तुम सब सैलरियां ले रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 9.5 साल से तुम क्या कर रहे थे? व्हाट द हेल वर यू डूइंग? टेल पीपल। और ध्यान से सुन लो सारे, ये अब नौटंकी काम नहीं करेगी, भाई बात समझ में? बोरी मिश्रा तुम्हारा दिल्ली से कॉल हो चुका है, जब देखो नाटक, जब देखो नाटक के जी गड्ढे हो गए। अबे गंजा, ये BJP ने गड्ढे करा दिए, तू मुझे मिल जा, मैं तुझे बताता हूँ। हैं BJP के वर्करों ने खो दिया क्या सड़क, या सरकारी LG ने आदमी बेच के? तुझे शर्म नहीं आती तो क्या बोलता है? आज सुबह जनता को दिखाने के लिए चप्पल में आ गया और गांधीनगर की एक लोकल सी टी-शर्ट पहन के आ गया, वैसे फ्रंट बैरी की कमीज पहनता है 14-14 हज़ार की, 15-15 हज़ार की। तू था क्या? GTV में नौकरी करता था तू, 20 हज़ार रुपए की? शर्म नहीं आती तुझे? 2 कमीजें होती थी तेरे पास, फोर्ड फाउंडेशन थे, तुम्हें डोनेशन मिली 16 करोड़, विदेशी ताकतों के साथ तुम जुड़े हो, फिर ऐसा तुम्हारी फाइल खुलने वाली है, बेशरम आदमी। हम सड़कों का काम करेंगे जी, 9.5 साल तुमने क्या किया? दिल्ली की सड़कों की हालत देखी है? तुम तो निकलते ही नहीं हो इसी कमरों से बाहर। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो डरो ऊपर वाले से यार, इतने बदतमीज, इतने बेशरम आदमी यार। कलमाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी अभी तुम्हें ठंड नहीं पड़ी? UPA 2 का पता है ना क्या हाल हुआ था? उनमें भी नशा था कि हमारी 10 साल की सरकार है, तुम में भी बड़ी गलत फहमी है, प्रचंड महामत, प्रचंड बहुमत से जीते हैं, प्रचंड आपके नजर आ जाएगा बेटा, 70-80-90% लोगों की तुम्हारी जमानतें जब्त होंगी, आओ ना भीड़ में। एक घंटा दिखाया जी इन्होंने सड़कों पे, हम 1400 किलोमीटर पे, और अभी तो परीक्षा, अभी तो ये निरीक्षण कर रहे हैं, काम तो पता नहीं भगवान जाने कब शुरू होगा। वह छोड़ दो भगवान के लिए, बहुत हो लिया, अब अपनी भड़ास मत निकालो। इन्होंने क्या किया जी सुन लो, राघव चड्ढा को अभी लंदन भेजा, इंग्लैंड के, जा बेटा यहाँ तो हम तो यहाँ बदनाम हो गए, हमारे तो पासपोर्ट भी जब्त हो गए, कम से कम सिसोदिया के बच्चे, मेरे बच्चे और हमारी घरवालियों के लिए वहाँ पे जुगाड़ बनाना तो शुरू कर दे, 4-4 करोड़ रुपया दे के वहाँ की PR बनाना तो शुरू कर दो, US का 7 करोड़ दे के वहाँ का बनाना तो शुरू कर। इस तरीके का इनका हाल है, इन्होंने अपने बच्चे और घरवालियाँ बाहर भेजने का प्रोग्राम बना लिया है, इन्होंने इतना पैसा लूटा है, इन लोगों को नहीं पता चलेगा बेचारों को, दिखाओ, इनको नहीं पता फीरा क्या होता है, बोल रहे हैं ये, इनको क्या होता है, इन बच्चों को नहीं पता, मासूम लोगों को। बेटा तूने बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या कौन है बाहर से आए हुए, इनको जो तूने बसाया है 12-13%, तुझे जो ओरिजिनल हमारी लेबर है, ओरिजिनल फैक्ट्रियों में काम करती है, पल्लेदार हैं, ठेले वाले हैं, वो भी वोट नहीं देंगे।
उनकी औरतों के तुमने सुहाग उजाड़ दिए, गंजे सुहाग सुहाग उजाड़ दिए। ऐसे मासूम बच्चे, ऐसे मासूम बच्चे जो आईएएस करने आए थे वो पानी में डूब के मर गए, बिजली का करंट लग के मर गए। क्यों चाचा, सही है गलत है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम्हारा जूता मेरा सिर, बोलो बोलो बच्चों, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एक भी बात अगर गलत है तो अंताक में जा रखा है दिल्ली के अंदर। वन टू वन क्यों नहीं आते मेरे सामने? भाई साहब इनके पेट देखे आपने आज सवेरे, इसकी तोंद देखी सरकारी, हमारे चर्बियां देखी कैसे चढ़ी हुई है। सौरभ भारद्वाज का पेट देखा, सिसोदिया का पेट देखा, और उसका क्या नाम है उनका, वो गुप्ता आता है जो राजेश गुप्ता, देखा जी कैसे तोंदे नहीं, कैसे राजेश बाबू बड़ी गलतफहमी में है कि मैं 10 साल जीता हूँ, तू भी मेरी हिट लिस्ट में है, तेरे से भी डिबेट करूंगा, फिर इनका कक्कड़ तेरे से भी, आशुतोष तेरे से भी, रवि श्रीवास्तव तेरे से भी, डॉक्टर मुनी तेरे से भी, समझ गया, जैन तेरे से भी, और सॉरी कौन है इनका गुजराती, जिंगेश शाह तू उससे तेरे से भी, और कौन है तुम्हारा प्रवक्ता, परविंदर, परविंदर सेठी जी तुम्हारे से भी, तुम सारे एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, आई समझ में? तुम्हारी वो दो दे तोड़ूंगा तुम याद करोगे, वो दे तोड़ूंगा तुम्हारी वो याद करोगे। थैंक यू। लूट के खा गए यार, लूट के खा गए दिल्ली को। ये मेरा परिवार है कनॉट प्लेस, यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। अरे एक इनकी और देखो ना, जहाँ जाएगा वहीं का लाल कह देगा। अंग्रेजी में एक एक कहावत है, सेल्फ प्रेजिंग इज बैड। अपने आप कह देगा मेरे से कोई कट्टर ईमानदार नहीं है, तू आना पब्लिक के बीच में, तुझे पता चले तू कितना ईमानदार है। चोर 50 करोड़ का हमारा खा गया, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और कह रहा है हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। हाँ सलाम भाई, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और हमें कह रहा है मैं दिल्ली का राजा हूँ। बेटा टैक्स पेयर बेस्ट, खुशम्बी के 2 कमरे के मकान में रहता था, याद है? याद है बंदा बन जा, बोरी बिस्तर तो तेरा गोल हो चुका है, लहरी न्यूयॉर्क करूँ मैं, आई बात समझ में? तुझे मैं बताऊंगा जो तूने अंताक मचाया है, जो तुमने यहाँ दिल्ली में गुंडागर्दी मचाई है। भाई मियाँ जी गुंडागर्दी मचाई है या नहीं, बच्चों बताओ, मचाई है? गुंडागर्दी मचाएगा, भारत के अंदर से जाएगा। यस, जा रहे हैं ऑलरेडी। हाँ। राघव चड्ढा इनका काम कर गया है, वहां से मिल गई है मुझे खबर। मैं भी लंदन में ही था, वेकेशन कर रहा था, मैं लंदन और टर्की में था उस वक्त, इस्तांबुल में अपनी वेकेशन पे, बॉलीवुड से 1 साल काम करने के बाद। ये जो 3-4 आदमी है ना भाई साहब, ये अंधे कानों में राजा हैं, पढ़े लिखे। हर किसी को कह देगा मैंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, मैंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी। अबे किसी ने तेरे से कहा था या तेरी गनपट्टी पे बंदूक रखी कि तू नौकरी छोड़ दे? पहले तो ये बता तू कौन सी झुग्गियों में रहा भाई, तू झुग्गियों में करता क्या था? झुग्गियों की लेबर बिचारी कोई पल्लेदारी करती है, कोई सफेदी का काम करता है, कोई राजमजदूरी करता है, तूने उनका क्या भला किया बता? मैं जन झुग्गियों में काम किया। ओहो ओहो, संदीप पाठक जी तुम्हारी भी याद आ गई कि आतिशी ने मध्य प्रदेश के गांव में बड़ा काम किया। क्या काम किया? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। क्या काम किया? ओ पंडित जी कुछ तो शर्म करो आप भी, मैं भी पंडित हूँ। सौरभ भारद्वाज तू भी पंडित है, दुर्गेश पाठक तू भी पंडित है, त्रिपाठी तू भी पंडित है। क्यों ब्राह्मणों का नाम ऐसे तैसे कर रहे हो भाई, क्यों हमें बदनाम कर रहे हो पंडितों को? हैं तुम भी इन चोरों के साथ मिल गए सिर्फ इसके लिए, महात्मा गांधी के लिए? बेटा महात्मा गांधी जिंदगी में सब कुछ नहीं है, ये जो ऊपर वाले के पास डंडा है ना, इतना मोटा डंडा है, ये जब यहाँ पड़ेगा ना ये सब निकल जाएगा। देख लिया ना नशा मंत्रिया क्या हाल है, हो गई ना लीवर खराब, हो गई ना किडनियाँ खराब, हो गई ना शराब पी पी के, जर्मनी में गिरा शराब पी के, ठीक है दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर। ये नॉन बीजेपी थे जिन्होंने कहा स्पीकर के बाद जाके हिज माउथ इज स्टिंकिंग, प्लीज शिफ्ट हिज सीट, देन ही हैड बीन शिफ्टेड। उसके बाद जर्मनी में गिरा शराब पी के, राष्ट्र के साथ बदतमीजी करके, बोलो हाँ या ना? और अभी रिसेंटली सरकारी जहाज पे दारू पी के जैसे लैंडिंग हुई गिर गया, और सरकारी जहाज से ही वापस। अरे बाप के जहाज हैं, पंजाब सरकार खोखली कर दी तुमने, पंजाब सरकार जीरो है, नहीं है ना भाई सैलरियां? बोल पंजाबी गाल कर, बिल्कुल नहीं है, पुखिया पुखिया हो गई है ना, नंगे हो गए ना, उधर हिमाचल नंगे हो गए, सैलरियां ही नहीं है दे रही। अब एक बात बता, विकास में पीछे में, हाँ सुन विकास पे आते हैं, उस पर भी आते हैं। दिल्ली में तुम्हारे पास सैलरियाँ नहीं है देने को, पेंशन नहीं है बुजुर्ग, वो तू कितने तीर्थ यात्रा कराता है? हमने तीर्थ यात्रा कराई, बुजुर्गों के बच्चे सक्षम है, ये सक्षम है अपने माँ बाप को देखने के लिए, हमें तेरे नाम और कर्मों की जरूरत नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज, नेक्स्ट टाइम इफ यू से लाइक दिस आई विल फिक्स यू। मैं चूकूंगा नहीं तेरे पे हाथ उठाने से, अगर तूने अगली बारी सदन में खड़ा होकर कह दिया कि वैभव को निर्दोष गिरफ्तार किया गया है, ऐसे जोर का कान पे मारूंगा, इस तरफ भी इस तरफ 5 उंगलियां छप जाएंगी, हमने अपनी माँ बहनों की इज्जत नहीं लुटवानी, बोल के दिखा तू। अबे जिस 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 सुप्रीम कोर्ट ने किया है गुंडा की कार्यवाही होते, व्हाट द हेल वाज यू डूइंग एट मुख्यमंत्री निवास?
तू आ जा सही पब्लिक में, आ जा।